तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 से पहले किन खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर कर देगी। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह तो जरूर देखिए। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स टीम के फैन है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको आईपीएल जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि 2019 का आईपीएल दिल्ली टीम के लिए बहुत ही शानदार गया था, जिसमें दिल्ली की टीम ने आईपीएल 2019 से बहुत ही शानदार खेल दिखाया और उसके साथ ही आईपीएल 2019 के प्लेऑफ से पहुंच गए, लेकिन क्वालिफाई 2 मुकाबले में चेन्नई की टीम ने उनको हरा दिया था। इसी बात को देखते हुए दिल्ली की टीम चाहती कि आईपीएल 2020 से बहुत ही शानदार खेल दिखाए। इसी बात को देखते हुए दिल्ली की टीम कुछ खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर करना चाहती है कि आईपीएल 2020 में उनकी टीम ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं उन खिलाड़ी के बारे में जिनको दिल्ली की टीम आईपीएल 2020 से पहले बाहर करना चाहेगी। दोस्तों पहले खिलाड़ी का नाम निकल के आता वह है दिल्ली कैपिटल्स टीम के ओपनिंग बल्लेबाज कॉलिन मुनरो का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉलिन मुनरो हमेशा से दिल्ली टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखते थे, लेकिन साल 2018 में उनका पसंद बहुत ही खराब हो गया, जिसकी वजह से दिल्ली की टीम ने आईपीएल 2019 में शिखर धवन को अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिसके बाद से कॉलिन मुनरो को ओपनिंग करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने बहुत ही खराब खेल दिखाया। इसी बात को देखते हुए दिल्ली की टीम आईपीएल 2020 से पहले उनको अपनी टीम से बाहर करना चाहेगी। दोस्तों में दूसरे खिलाड़ी का नाम निकल के आता वो है दिल्ली कैपिटल्स टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कॉलिन इंग्राम का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉलिन इंग्राम को दिल्ली की टीम ने आईपीएल 2019 में अपनी टीम में शामिल करा था, लेकिन उनका पसंद बहुत ही खराब गया था। दोस्तों आपको बता दें कि कॉलिन इंग्राम ने 12 मुकाबले खेले थे, जिसमें से वो 184 रन ही बना सके थे। इसी पसंद को देखते हुए दिल्ली की टीम चाहते कि उनको अपनी टीम से बाहर कर दे और उनकी जगह अपनी टीम में नए खिलाड़ी को शामिल करवा ले। इसी बात को देखते हुए दिल्ली की टीम आईपीएल 2020 से पहले उनको बाहर करना चाहेगी। दोस्तों में तीसरे खिलाड़ी का नाम निकल के आता वो है दिल्ली कैपिटल्स टीम के फास्ट बॉलर आवेश खान का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि आवेश खान को साल 2017 में दिल्ली की टीम ने अपनी टीम में शामिल करा था, जिसमें 2017 में बहुत ही शानदार खेल दिखाया था। इसी वजह से दिल्ली की टीम ने साल 2018 में उनको रिटेन किया और साल 2019 में भी उनको रिटेन करते हुए दिखी, लेकिन 2019 में उनका पसंद बहुत ही खराब गया था। इसी बात को देखते हुए दिल्ली की टीम चाहती कि उनको बाहर कर दे और अपनी टीम में नए खिलाड़ी को शामिल करवा ले। इसी बात को देखते हुए दिल्ली की टीम आईपीएल 2020 से पहले उनको अपनी टीम से बाहर करना चाहेगी। तो दोस्तों मेरे मुताबिक तीन खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको दिल्ली की टीम आईपीएल 2020 से पहले बाहर करना चाहेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में।